स्वागत है अमरामन चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 1951 या 1971 का कोई लेगेसी डाटा कोड नहीं है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसके अलावा भी आप दावी फॉर्म यानी क्लेम फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो आपको इसको फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे से कोई को किसी का किसी डॉक्यूमेंट्स आपको होना ज़रूरी है। ये यहाँ पे 3 से लेकर 14 तो किसी डॉक्यूमेंट्स को आपको होना ज़रूरी है तभी आप उसको फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसके अलावा कैसे फिलअप कर सकते हैं ये फॉर्म को, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन दिखेगा आपको, तो उसको भी दबा दीजिए ताकि जो मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में पहले आपको यहाँ पे आपका जो NSK है, यहाँ पे आपका NSK पे जो भी नाम है यहाँ पे आप आपका NSK का नाम लिख लीजिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पेंसिल से कर रहा हूँ। तो आपको ये इसको जो फिलअप कर रहा है उसको ब्लैक इंक से, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है आपको ब्लैक इंक से करना पड़ेगा इसको फिलअप। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यहाँ पे आपको ब्लैक इंक से करना पड़ेगा। तो ओके, तो NSK का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी जो ARN नंबर है यानी एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर जो भी है यहाँ पे आपको यह उसको लिखना है। जो 21 वाला ARN नंबर है उसको आपको जो भी है आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, मैंने नहीं लिख रहा हूँ, आप पूरा यहाँ पे लिख लीजिए। 21 वाला जो नंबर है आप यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, तो इसके बाद आता है यहाँ पे आप जो यहाँ पे उसको आपका क्रमिक नंबर यानी आपको यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लीजिए, सीरियल नंबर। इसके बाद यहाँ पे आप 1A पे आप यहाँ पे जो सदस्य जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं उनका नाम लिख लीजिए। तो समझ लीजिए उनका नाम अब्दुल रजाक है तो आप यस यहाँ पे अब्दुल रजाक लिख लीजिए अब्दुल। यहाँ पे आप यह भी लिख सकते हैं, अलग आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे आप अब्दुल रजाक लिख के दे दीजिए। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे आपको ID लिखना है, सदस्य ID। तो सदस्य ID क्या है? सदस्य ID जो 2015 में जो NRC दिया था उसको जो यहाँ पे आप जो इसका नाम लिख रहे थे उसको अपोजिट पे जो क्रमिक नंबर दिए थे उस वही है जो अपोजिट में जो क्रमिक नंबर दिए थे वही है सदस्य ID। तो आप देख के यहाँ पे सदस्य ID को यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे आता है 1B पे लैंडलाइन मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे दे दीजिए, जो भी नंबर मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे दे दीजिए। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे हमारा जो काम है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर आपके आपके परिवार में और कोई किसी का नाम नहीं आया है तो ऐसे ही आप सीरियल नंबर दे के ऐसे ही आप यहाँ पे ऐसे ऐसे नाम लिख के ऐसे मोबाइल नंबर दे के सदस्य ID दे के आप दे सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम लोगों का जो है ये पेज ए पे हमारा हम लोगों का पेज ए पे हम लोगों का काम ख़त्म हो गया है। तो हम लोग चलेंगे आप पेज B पे। तो पेज B पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज B पे आप हम लोगों का कोई काम नहीं है क्योंकि पेज B पे उन्हीं लोगों का फिलअप करना है जिनके पास 1951 का या 1971 का लेगेसी डाटा कोड है। तो हम लोगों के पास नहीं है तो हम उसको वो जो पेज B है उसको हम ब्लैंक ही रख देंगे। यहाँ पे आप हमको कुछ फिलअप नहीं करना है, हम लोगों को सीधा जाना है पेज C पे। तो पेज C पे हम लोग आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे जो क्रमिक नंबर है जो यहाँ पे लिखा था यहाँ पे आपको क्रमिक नंबर लिखना है। तो 5A पे आपको लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 यहाँ पे संपर्क जुशु तो तभी करो लेगेसी व्यक्ति नाम आप जिसके साथ यहाँ पे जिनका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे तो जिनके नाम से डॉक्यूमेंट्स है अगर आपके पिताजी के नाम से डॉक्यूमेंट्स हो तो आपके पिताजी का नाम यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो मैं समझ लीजिए उनका नाम अब्दुल हमीद है तो यहाँ पे आप दे दीजिए। और उसके बाद 5B पे आता है जो तालिका एयर उपयुक्त नोतिर क्रमिक नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो जिस डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं या ऐसे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं जो उसका आपको सीरियल नंबर लिखना है। तो समझ लीजिए मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 3 लिखना है। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में जो दे रहे हैं उसका आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद होता है 5C। तो 5C भी आपके क्या लिखना है, लिगेसी व्यक्ति संगे संबंध, इसके साथ जो अब्दुल हमीद है उनके साथ जो अब्दुल रजाक है उनका क्या संबंध है, अगर पितरी है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप पितरी लिख लीजिए यानी पिता आप लिख लीजिए यहाँ पे।
ओके तो इसके बाद आता है 5D संपर्क प्रमाण सापेक्ष दाखिल कर आपदा क्या बी ए स्वाक्षरित नोटरी क्रमिक नंबर जो अब्दुल हमीद है जो अब्दुल रजाक के साथ क्या संबंध है उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा लिस्ट बी से। तो लिस्ट बी से यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट बी से कि किसी डॉक्यूमेंट्स को आप देना पड़ेगा आप उनके साथ आप लिंक दिखाने के लिए। तो समझ लीजिए मैं जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नंबर 1 लिख के यहाँ पे आप अगर चाहते हैं आप यहाँ पे आप लिख के भी दे सकते हैं यहाँ पे आप लिख के दे सकते हैं। ओके उसके बाद हम लोगों का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ पे अगर और किसी का नाम यहाँ पे हम लोगों ने नहीं लिखा है तो हम लोग का अगर लिखा है तो यहाँ पे आप ऐसे ही आपको यहाँ पे उनका जो पिता माता है उनके भी आप लिखना है नहीं तो अगर व्यक्ति 1 है तो यहाँ पे आपको लिखना है लिख के हम लोगों का जो पेज सी है यहाँ पे काम खत्म हो गया है। लेकिन अगर अगर हमारे पास ये इसको जो हमको फिलअप करना है तो इसके फिलअप करने के लिए हम लोग का जो जो पिति मातृ है उनको उनका जो 1971 के अंदर असम के भीतर किसी डॉक्यूमेंट्स को होना जरूरी है। ये जो डॉक्यूमेंट्स असम के अंदर होना जरूरी है। अगर असम के अंदर नहीं असम के बाहर है तो आपको 6A 6B 6C 6D उसको फिलअप करना है इसको नहीं। अगर जो डॉक्यूमेंट्स है वो असम की बाहर है तो समझ रहे हैं आप। तो अगर असम के बाहर है तो यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे आपका जो अगर ये हो तो या उनका नाम लिख लिया अगर असम के बाहर असम के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको फिलअप करना है उसको। ओके तो यहाँ पे हम लोगों का इस लिखने के बाद हम लोगों का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे हम लोगों का कोई लिखना नहीं है हमको सीधा जाना है पेज डी पे जो पिस्टा डी है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप जो व्यक्ति है उनका क्रमिक नंबर ऐसे लिख दीजिए क्रमिक नंबर जो है और यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे ये पूरा पेज भी आप लिख देंगे आप क्यों क्लेम कर रहे हैं उनके उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है दावी करने का कारण आपको लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ कि आप देख लीजिए अमर अमर नाम NRC सेकेंड लिस्ट ए आशे नी আমার নথিপত্র অশুদ্ধ বা ভুল থাকার জন্য অশুদ্ধ থাকার জন্য ऐसे आप लिख दे सकते हैं। अगर आपके पास आपको और कुछ लिखना है आपको पेज ज़रूरी है तो आप एक्स्ट्रा पेज भी ले सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पे आपको जो पेज यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नहीं है तो आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो अगर कोई भी और कोई व्यक्ति है तो यहाँ पे आप ऐसे क्रमिक नंबर या सीरियल नंबर दे के ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ओके इसके बाद हम लोगों को सीधा जाना है नीचे जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो परिवार का जो गार्जियन है उनका सिग्नेचर देना है आपको यहाँ पे। तो समझ लीजिए परिवार का जो गार्जियन है वो अब्दुल रजाक है तो यहाँ पे आप अब्दुल रजाक लिख लीजिए आपने जो अब्दुल रजाक है उनका आप यहाँ पे सिग्नेचर ले लीजिए उनका यहाँ पे देख सकते हैं आप सिग्नेचर। अगर सिग्नेचर नहीं जानते तो आपको आप अंगूल का जो जो टिप है आप उसको भी दे सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बूढ़ा अंगूल जब जो अगर लड़का है तो आपको बाँ हाथ का अगर लड़की है तो आपका डान हाथ का देना पड़ेगा आपके यहाँ पे उसको पढ़ के आप दे दीजिए। तो उसके बाद आता है यहाँ पे आप बिल्डिंग का नंबर या नाम नंबर आपका अगर नाम नंबर है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको ये नीचे आपको आपका जो विलेज है उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा आपका विलेज का नाम। तो नीचे आपका जो देश है जो कंट्री है उसका नाम आपको लिखना है। ओके उसके बाद यहाँ पे आपको जो पोस्ट ऑफिस है उसका नाम लिखना है डाकघर का नाम लिखना है। यहाँ पे आपका जो सर्कल ऑफिस है उसका नाम लिखना है कहाँ पे है वो। यहाँ पे आपका जिले का नाम लिखना है यहाँ पे आपका कोई कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ पे दे सकते हैं। ओके तो इसके बाद आप यहाँ पे आपका जो पिन कोड है इसको पिन कोड को आप दे दीजिए
तो इसको खत्म करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं, जो अगर आप कोई एक्स्ट्रा पेज ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको सी लिखना पड़ेगा, जैसे सी, और नहीं है तो नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा पेज यूज़ कर रहे हो तो आपको जो पेज यूज़ हुआ है वो कितना हुआ है, मोट जो टोटल नंबर का लिखना है, अगर दो है तो दो आपको लिखना है, नहीं तो एक जो आप जो लिखना है। तो इसके बाद आपको आपको जिस व्यक्ति का आप क्लेम कर रहे हैं उनका आईडी नंबर आपको लिखना है। ओके, तो इसके इसके बाद हम लोगों का जो है फिलअप करने का काम ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद आप आपका एरएसके में उसको जमा कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप भी आपका मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो अब वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके जाइए, और चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसको भी दबा दीजिए ज़रूर, क्योंकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।